तो आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगभग 60% एक्यूरेट हो जाएगी। ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अगर एक ट्रेड गलत निकला तो मैं देने को कितना रेडी हूं। मैं आपको एक इंडिकेटर का सेटअप दूंगा, आपका एक ट्रेड पिछले 5 लॉस को भी कवर कर सकता है। मैं आपको गोल्डन आर्ट्स बता रहा हूं ट्रेड करने के। अगर आप लोग स्कैल्पिंग सीखना चाहते थे तो आज इस वीडियो के बाद आप मुझे थैंक यू बोलने वाले हो। इनफैक्ट यार बोल ही देना, अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हुए। एंड कमेंट्स में अगर आप थैंक यू लिखेंगे इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई एंड डेफिनेटली आने भी वाली है। तो अब स्कैल्पिंग बहुत से लोग सीखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत कम है। अब आपने सुना होगा कई सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि भैया स्कैल्पिंग मत करो, स्कैल्पिंग करोगे तो बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। एंड डेफिनेटली हो सकता है। स्कैल्पिंग का पहले मतलब क्या होता है इसे समझते हैं। स्कैल्पिंग बेसिकली वो ट्रेड होता है जब हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे होते हैं, जैसे कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर छोटे ड्यूरेशन के लिए ट्रेड करते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, तो मैक्सिमम आधे घंटे के लिए आप ट्रेड कर रहे हो और छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो, आप इसे स्कैल्पिंग बोल सकते हो। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है भाई, मुझे मार्केट से आधे घंटे के अंदर या तो पैसा चाहिए या मैं अपना स्टॉप लॉस देके बाहर निकलना चाहता हूं। So, आप छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए ट्रेड करना चाहते हो, इसे स्कैल्पिंग बोलते हैं। अब लोग स्कैल्पिंग क्यों चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में कई सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो स्कैल्पिंग करते हुए पैसा बना रहे हैं। अब क्योंकि स्कैल्पिंग करते हुए पैसा बनता है तो लोगों को अट्रैक्ट भी करता है, क्योंकि आधा घंटा अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो बहुत है, आधे घंटे के अंदर अगर आपने एक बड़ा मूव कैच कर लिया तो आपका कैपिटल डबल भी हो सकता है, पर इसमें रिस्क भी है। आप समझिए, जिसके पास कैपिटल ज्यादा है, ज्यादातर वो लोग जो बड़े कैपिटल में ट्रेड करते हैं, एग्जांपल आप सीआरएस में मान लो, जो लोग करोड़ों में ट्रेड करते हैं, वो शायद स्कैल्पिंग को अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने कैपिटल को लूज नहीं करना। पर अगर किसी आदमी के पास 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए है तो उसे लगेगा यार मेरे पास तो पैसा ही इतना कम है। अब जो लोग करोड़ों में ट्रेड कर रहे हैं वो परसेंटेज में कमाना चाहते हैं, वो चाहते हैं महीने का 2%, 3%, 5%, 10% बन जाए। तो ये बहुत अच्छा है कि हम अपने कैपिटल पे 10% एग्जांपल बना लेते हैं। कोई आदमी 1 करोड़ से ट्रेड कर रहा है और उसने महीने का 10 लाख रुपए बना लिया, वो कहेगा ठीक है मुझे डिसेंट पैसा मिला है, या 5 लाख भी मिल गया तो ही इज हैप्पी। बट आप सोचो अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए से भी ट्रेड कर रहा हो और 1 लाख से ट्रेड करके 5% बने और महीने का 5,000 हो, तो शायद वो इतना खुश ना हो। सिमिलरली 50,000 पे 2,500 पूरे महीने में बने तो आपको इससे ज्यादा तो ब्रोकरेज लग जाएगी। तो अगर आप आज ये समझना चाहते हो कि भाई आज आप इस कैटेगरी में तो आते हो भाई करोड़ों का कैपिटल नहीं है, तो ना हम सेलिंग कर सकते, ना हम बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते, तो हम क्या करें। डेफिनेटली स्कैल्पिंग आप सीख सकते हो, बट जैसे मैं आपको एक डिस्क्लेमर पहले देना चाहता हूं, स्कैल्पिंग इज रिस्की, आपका पूरा कैपिटल खत्म होने का भी रिस्क है, और अगर आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया तो आप पैसा तो कमाना छोड़ो, आप लॉस पहले करने वाले हो। तो क्योंकि मेरा फर्ज बनता है आपको एक एक चीज समझाना बताना, क्योंकि मुझे मोटिवेट नहीं करना किसी को। यहां पर जब आप स्टॉक मार्केट की बात करते हो, मुझे किसी को भी मोटिवेट नहीं करना। आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, आप सीखना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, इसलिए वीडियो देख रहे हो। पर मेरा काम है आपको ना क्लियर पिक्चर देना कि स्कैल्पिंग रिस्की होती है। जो आदमी 5% कमाना चाहता है वो गवाना भी ज्यादा से ज्यादा 5% चाहता है। अब अगर आप स्कैल्पिंग करके पैसा बनाना चाहते हो, इसका मतलब है एग्जांपल ले लेते हैं, आज आप सीखना चाहते हो कि भैया मेरे पास 10,000 रुपए है और मैं 10,000 से ट्रेड करना चाहता हूं, तो आपको सबसे पहले अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पता होना चाहिए। पहले रिवॉर्ड से ज्यादा पहले रिस्क पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं गलत निकला तो मेरा कितना पैसा जाएगा। आप अगर स्कैल्पिंग करोगे और अभी आज इस वीडियो के अंदर जो मैं स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे तो हो सकता है आपका 10% तक का स्टॉप लॉस हो जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 50,000 से ट्रेड करोगे तो 5,000 जाएगा, और अगर आप 10,000 से ट्रेड करोगे लगभग 1,000 रुपये जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो ये तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, समझ आ गया। आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अगर एक ट्रेड गलत निकला तो मैं देने को कितना रेडी हूँ। दूसरी चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ट्रेड में लॉस हुआ तो दूसरे में प्रॉफिट ही होगा, हो सकता है अगले में दोबारा से लॉस हो जाए, अगले में फिर दोबारा से लॉस हो जाए। तो आप कंसेक्यूटिव कम से कम 4 से 5 लॉस, अगर आप 1,000 के लॉस दे रहे हो तो 4 से 5 लॉस देने के लिए रेडी हो तो आप आगे की बात सुनो, वरना मत सुनो, क्योंकि लॉस हो सकते हैं, ये बताना जरूरी है। हाँ, अब आ जाते हैं प्रॉफिट पे। जब प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, मिनिमम 10%, एंड ये 10% से अप टू
50% प्लस जा सकता है, प्लस मतलब फिर तो आपको पता है कि पैसा डबल भी होता है, तो मैं वो लिख नहीं रहा 100%, एक्सपेक्टेशन गलत नहीं देनी चाहिए कभी, पर यस, अगर आप 1000 गवाओगे 10000 पे तो आप 5000 बना भी सकते हो, आपका एक ट्रेड पिछले 5 लॉस को भी कवर कर सकता है। तो आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैं बिल्कुल मिनिमम साइड पे लेके चलूं, तो अगर रिस्क 1 रुपए का है तो प्रॉफिट आपको मिनिमम 1 मतलब 1:1 से लेके 1:5 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे आपको ट्रेड मिलेगी। इसकी एवरेज निकालोगे तो 1:2.5 आएगा, मैं 2 ले लेता हूं। अब कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी, मेरी बात को समझना, कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा हो सकता है मैं लंबा जा रहा हूं, बट मेरा मतलब है कि कोई आदमी नया हो, बिल्कुल बिगनर हो, उसे सारी बातें समझ आनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ट्रेड करने वाले हो तो आप क्या करने वाले हो, आपने सुना और आप मैदान में उतर गए, अब प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, इसलिए सारी चीजें समझना जरूरी है, बड़े ध्यान से सुनना। कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 50% प्लस हो, मैं 50% भी ले लेता हूं, और अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का भी हो तो आप जीतोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप और मैं एक कॉइन टॉस करते हैं, हेड आएगा ठीक है तो मैं जीत गया, टेल आएगा तो आप जीत गए, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है कोई बात नहीं। इसमें है सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या हुई, आप कहोगे 50% हुई, हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है, अगर हम इनफाइनाइट टाइम्स उछालेंगे तो लगभग 50% प्रोबेबिलिटी आएगी हेड की और टेल की, कभी आप जीतोगे कभी मैं जीतूंगा। पर हम यहां पर इक्वेशन को चेंज करते हैं, अगर मैं जीता तो मुझे 1 रुपया मिलेगा और आप जीते तो आपको 2 रुपए मिलेंगे। अब जीतने की प्रोबेबिलिटी 50-50 ही है, हेड और टेल 50-50 आएगा, पर हेड आने पे मुझे 1 रुपए मिल रहा है और टेल आने पे आपको 2 रुपए मिल रहा है, तो अगर हमने 10 बार सिक्का उछाला और 5 बार मैं जीता तो मैं 5 रुपए कमाऊंगा, और 5 बार आप जीते तो आप 10 रुपए कमाओगे। बस इस इक्वेशन को ध्यान रखना, अगर आप मार्केट को 5 रुपए देने के लिए रेडी हो कोई बात नहीं 5 रुपए जाएंगे, बट अगर 10 रुपए आएंगे और अगर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स में ऐसा ही चलता रहता है 50% प्रोबेबिलिटी के साथ भी, तो भी आप पैसा बनाने वाले हो। अब अगर आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया तो ये स्ट्रैटेजी लगभग 60% एक्यूरेट हो जाएगी, या 60 प्लस लिख सकते हैं 70% एक्यूरेट हो जाएगी, एंड 70% एक्यूरेसी के साथ आपकी एवरेज अगर 1:3 आ गई तो इसका मतलब क्या है, 3 बार मैं जीता 1 रुपया कमाया ठीक है, या आप समझ लो आपका स्टॉप लॉस हुआ 3 बार, मैं मार्केट था, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो मार्केट को आपने 3 रुपए दिए खुशी खुशी, भाई 3 रुपए ले जा मेरे से, और 7 बार मैं जीतूंगा, मतलब आप जीतोगे 7 बार, और 7 बार जीत के आपने 3 रुपए कमाए, आपने 21 रुपए कमाए। और ऐसा ही कुछ आप मुझसे सुनना चाहते थे, ऐसा ही कुछ आप इस चैनल से एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आपको कुछ ऐसा सीखने को मिले। अब मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, डेफिनेटली अब जो स्ट्रैटेजी के ऊपर आएंगे ये इक्वेशन हमें लेकर आनी है अपने लिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, बट स्टार्टिंग की एक्सपेक्टेशन आपकी ये वाली होनी चाहिए, ये बनेगा डिसिप्लिन के साथ, टाइम लगेगा, आपकी स्किल जैसे जैसे इंप्रूव होंगी ये आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, 1 महीने बाद आएगा, 1 साल के बाद आएगा, बट आएगा। पर अगर स्टार्टिंग में ये इक्वेशन भी है तो ये प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिटेबल इक्वेशन को सीखने में मजा आता है और मुझे सिखाने में मजा आता है। तो अब हम शुरू करते हैं स्कैल्पिंग में, मैं क्या बताना चाहता हूं बड़े ध्यान से सुनना। अब स्कैल्पिंग में हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, कौन से टाइम फ्रेम पे, अभी जस्ट मैं स्क्रीन पर दिखाऊं उससे पहले बता रहा हूं, हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। अब जैसे ही मैंने 1 मिनट बोला कई सारे लोगों के कान खड़े हो गए होंगे, क्योंकि कई सारे लोग 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हैं, और कई सारे लोग कहेंगे यार तो रिस्की है 1 मिनट पे ट्रेड करना, तो बहुत रिस्की है, करेंगे। प्लस मैं आपको एक इंडिकेटर का सेटअप दूंगा जिस इंडिकेटर को आपको यूज करना है, पर अभी तक आप उसे कैसे यूज करते थे मुझे पता नहीं। इस इंडिकेटर को जब आप यूज करेंगे, अभी मैंने 50% बोला है, 50% प्लस एक्यूरेसी आएगी ठीक है। नंबर 2, इसमें सबसे बड़ा खेल है टाइमिंग का, स्कैल्पिंग में सबसे बड़ा खेल हम देंगे टाइमिंग का। आपको पूरे दिन ट्रेड नहीं करना, पूरे दिन ट्रेड नहीं करना, मैं आपको गोल्डन आवर्स बता रहा हूं ट्रेड करने के, आपको सिर्फ उन गोल्डन आवर्स के अंदर ध्यान रखना है 9:30 to 11:30, ये 2 घंटे मार्केट के स्टार्टिंग के। और अब आ जाते हैं बिल्कुल एंड के, 1:15 बजे से लेके आप 3:15 बजे तक यहां पर हो गए आपके ये 2 घंटे। तो आपने पूरा दिन नहीं देना, शुरू में टाइम देना है, आखिरी में टाइम देना है, और उसके बीच में आप घर में लूडो लेकर आओ, कैरम बोर्ड लेकर आओ, अपनी फैमिली के साथ कैरम बोर्ड खेलो, टाइम मत दो।
अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, देखो इस स्ट्रैटेजी में पैसा बनेगा डायरेक्शन के साथ। मुझे डायरेक्शन चाहिए, मुझे मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम आपको सुबह सुबह मिलेगा, मोमेंटम आपको एंड आवर्स में मिलेगा। बीच में मोमेंटम मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो बीच का टाइम आप अवॉइड करो। आप एक्चुअल में अपने फैमिली को टाइम दो, आपको जो और एक्टिविटीज करनी है वो करो। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब पर ध्यान दो, बिजनेस करते हो बिजनेस पर ध्यान दो। पर अगर आप पार्ट टाइम के लिए भी कर रहे हो, ये दो घंटे और ये दो घंटे आपको एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, इतना मैं बोल सकता हूं। क्योंकि ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि इस टाइम पर और इस टाइम पर मोमेंटम रहता है। एक बड़ा मोमेंटम कैच हो सकता है और यही हमारा गोल है। अब हम शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखेंगे, मैंने यहां पर एक एक करके चीज लिखी है। 1 मिनट टाइम फ्रेम, इंडिकेटर बेस्ड, थर्ड टाइमिंग, एंड फोर्थ डेफिनेटली आप ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले हो। तो ऑप्शंस क्यों? ऑप्शंस रिस्की होते हैं बट ऑप्शंस प्रॉफिटेबल भी होते हैं। अब क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है तो आप सेलिंग तो कर ही नहीं सकते, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ बाइंग कर सकते हो। अब यहां पर आपके मन में दो सवाल आएंगे, अगर बाइंग करनी है तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस में करनी है, एंड सेकेंड पॉइंट आपके दिमाग में आएगा कि भाई कितना कैपिटल लगाना है। देखो पहली बात तो हमें अपना पूरा पैसा नहीं लगाना। अगर आपके पास एग्जाम्पल के लिए 1,00,000 रुपया है तो आप ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेड लोगे अभी से 25,000 रुपये से लोगे। ऐसा क्यों? हम पूरा 1,00,000 लगेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, आपके मन में आ रहा होगा। पॉइंट यहां पर ये है कि अगर आप 25,000 से ट्रेड लोगे, हमें पता है लॉस हो सकता है, तो अगर 10% का, मैंने आपको बताया था 10% का लॉस हो सकता है, तो 25,000 का 10% जाएगा जो कि होगा 2,500। बट अगर आपने 1,00,000 से ट्रेड लिया होता तो फिर जाता 10,000। आप अगला ट्रेड 1,00,000 से नहीं ले सकते थे, पर अगर आपका 2,500 का लॉस हुआ तो आप अगला ट्रेड भी 25,000 से ले सकते हो। और अगर आपको लगातार 2-3-4 बार भी लॉस हो गया तो आपको 2,500-3,000 रुपए करके लॉस होगा, जो कि सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और अगर जैसे हमने बताया था कि अगर आपको एक अच्छा मोमेंटम कैच हो जाता है तो वो 4-5 स्टॉप लॉस भी जो है ना एक ट्रेड में रिकवर हो सकते हैं। अब ये तो 1,00,000 का एग्जांपल हुआ, बट हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला अगर आपके पास कैपिटल कम हो तो कई लोगों का हो सकता है सिर्फ 10,000 रुपए ही हो, तो फिर कितने से ट्रेड लेना है? सेम 2,500 रुपए से। अब आप कहोगे सर 2,500 रुपए से ट्रेड लेंगे तो इसमें क्या ही बनेगा, और क्या 2,500 से ट्रेड हो सकता है? फिर कौन से स्ट्राइक प्राइस में हम ट्रेड करेंगे? सिमिलरली आपको मैं ये चीज बताना चाहूंगा यहां पर कि आप 2,500 से नहीं, आप 1,000 रुपए से भी ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है, मैं आपको स्क्रीन पर अभी दिखाता हूं। स्टेप बाय स्टेप सेटअप बताने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आप ट्रेड कैसे कर पाओगे। सो यहां पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं फोन की, एंड आई कैन शो यू एग्जैक्टली कि आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। एग्जाम्पल के लिए आप यहां पर देख सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी है। अब निफ्टी के अंदर हम यहां पर मार्केट वुल्फ पर आ चुके हैं, आप मार्केट वुल्फ पर जाके इसी तरीके से देख पाओगे सेटअप को। सो इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक बार एजुकेशन पर्पस के लिए एक डेमो भी दे देता हूं कि किस तरीके से आप लोग खुद से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो अभी हम मार्केट वुल्फ पर आ गए हैं। यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है ट्रेड बैंक निफ्टी ऑप्शंस। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहां पर मिनिमम आप 999 से ट्रेड कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी खुल गया। सो मान लीजिए अभी मेरा व्यू है कि यहां से मार्केट नीचे जा सकती है। सो मैं क्या करूंगा, ये डाउन एरो पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर ये एनालाइज करने लग जाएगा 2,000 ऑप्शंस में से कि मुझे कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। अब यहां पर आप देखिए मुझे दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन है कि स्लो प्राइस मूवमेंट होगा, दूसरा है कि फास्टर प्राइस मूवमेंट होगा। अब जो फास्टर प्राइस मूवमेंट का स्ट्राइक है वो आप देख सकते हो 44,100 का है। अब यहां पर अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं तो यहां पर जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया, यह मेरे से पूछेगा कि आपको क्या टारगेट रखना है और आपको क्या स्टॉप लॉस रखना है, ये आप ऊपर नीचे करके सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी मैं डिफॉल्ट के साथ जाता हूं और मैं इसे डन कर देता हूं। हम आगे बढ़ते हैं और जैसे ही मैंने डन किया, यहां पर आप दोबारा से अपना सेलेक्ट कर सकते हो अमाउंट कि आपको किस अमाउंट से ट्रेड करना है। सो एग्जांपल के लिए आप 999 से भी ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको यहां पर 999 से ट्रेड करके दिखाता हूं। मतलब हम 10,000 रुपये की ट्रेड लेते हैं और देखते हैं ट्रेड कैसी रहती है। सो अगेन ये आपको ऑप्शंस दिखाएगा जैसे आप अपना अमाउंट चेंज करोगे। सो हमने वही 44,100 का स्ट्राइक ले लिया डिफॉल्ट सेटिंग के साथ। हमने यहां पर प्लेस ट्रेड पर क्लिक कर दिया और सबमिट कर दिया। हमारा यहां पर ट्रेड शुरू हो चुका है। अब आप यहां पर राइट हैंड साइड पे प्रॉफिट देख सकते हो, नीचे रिटर्न्स देख सकते हो। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी है अभी आपके सामने चल रहा है, ये लाइव हमने ट्रेड लिया हुआ है। बट मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं, ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। अब ये ट्रेड लेने का तरीका जो है वो आपको समझना जरूरी है कि किस तरीके से आप एक ट्रेड ले सकते हो और कम कैपिटल से भी आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये नीचे प्रॉफिट चल रहा है, तो 400 रुपए का तकरीबन प्रॉफिट यहां पर हो चुका है। अभी रिटर्न्स आप नीचे देखिए, रिटर्न्स आपको दिख रहा है 3.2% आ रहा है। सो परसेंटेज ऑफ रिटर्न बहुत जरूरी है। सो मेरे हिसाब से 10% का रिटर्न भी काफी अच्छा होता है। बट क्योंकि आप नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, आप अगर आपका व्यू अच्छा है तो आप
बड़ा टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने जब डिफॉल्ट सेटिंग ली थी तो वहां पर प्रॉफिट का जो टारगेट लगाया था वो 50% का लगाया था, मतलब 10,000 की कैपिटल पे हमें 5,000 का प्रॉफिट चाहिए, और ऊपर जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो ये हमारी ऊपर प्रॉफिट की लाइन ऑलरेडी प्लेस हो चुकी है। सो अब 5,000 तक अगर टारगेट जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सौदा कट जाएगा। पर अगर आपको लगता है कि आपको पहले ये पोजीशन को स्क्योर ऑफ करना है, आपको लगता है नहीं भाई 1,000 रुपये भी अगर मेरे को आगे 10% का रिटर्न बन गया और आपको इस ट्रेड को स्टॉप करना है, तो आप कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर सकते हो, कंफर्म करते ही सौदा कट जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपने इसे नहीं बेचा होता तो सौदे को नहीं काटा होता तो आपका क्या रिटर्न चल रहा होता। राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हो जो रिटर्न है वो आपको दिख रहा है। सो अगर आपने नहीं काटा होता तो आप देख सकते हो 1100 का इनफैक्ट ऊपर नीचे जो चल रहा है, तो 11.9% के आसपास का रिटर्न बन चुका होता। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको मार्केट वुल्फ का एक और फीचर भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ट्रेड इंडेक्स ऑप्शंस नीचे लिखा हुआ एक न्यू फीचर है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हो कि हम ट्रिपल लाइन से ट्रेड कर सकते हैं। तो तीनों के चार्ट यहाँ पर आ गए हैं। मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लिक कर सकते हो, निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो आप निफ्टी पर क्लिक कर सकते हो। तो मैंने बैंक निफ्टी पर क्लिक कर दिया। अब आपको डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है कि आप ऊपर का ट्रेड लेना चाहते हो, नीचे का ट्रेड लेना चाहते हो। तो यहाँ पर आप अपना अमाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ट्रिपल लाइन से हम ट्रेड करने वाले हैं तो मैंने एक कम अमाउंट से आपको एक डेमो दिखाया है एजुकेशन पर्पज के लिए कि किस तरीके से आप 1,000 रुपए से भी ट्रेड ले सकते हो। तो 1,000 रुपए से मान लीजिए मैं डाउन का ट्रेड लेना चाहता हूं। जैसे मैं डाउन एरो पे क्लिक करूंगा ये एनालाइज करने लग जाएगा मेरे लिए कि मुझे कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लेना चाहिए। अब जैसे ही मैं प्लेस ट्रेड पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरा ट्रेड प्लेस हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा लाइव यहाँ पे पीएनएल चल रहा है, नीचे रिटर्न्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन हो रही है वो आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर नीचे आ रहे हैं, नीचे आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं कि क्या रिटर्न्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे लाइन चार्ट भी प्लॉट कर सकते हैं। अब अगर हमारा व्यू करेक्ट है तो हमें इस ट्रेड में थोड़ी देर रुकना चाहिए और देखते हैं कि हमें क्या यहाँ पे प्रॉफिट आ सकता है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे जैसे प्रॉफिट आना शुरू हुआ। आप कभी भी इस ट्रेड को स्टॉप कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि अगर हमने 1,000 रुपये लगाए हैं तो थोड़ा एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बनना चाहिए, तो इसके लिए थोड़ी देर रुकना पड़ेगा हमें। अब थोड़ी देर में देखते हैं कि यहां से क्या रिटर्न्स बनते हैं। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा टाइम हो गया और यहां पर हम ऑलमोस्ट 33% से ऊपर का प्रॉफिट देख पा रहे हैं। सो मान लीजिए मैं इस प्रॉफिट को बुक करना चाहता हूं और यहां पर देखिए हमने बुक कर लिया। जैसे ही मैंने इस प्रॉफिट को बुक किया तो यहां पर 333 का 333 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है, जो कि 33% रिटर्न होती है 1,000 रुपये पे। तो हमेशा आप रिटर्न के हिसाब से देखिए। सो ये मैंने अभी आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखाया है कि आप किस तरीके से ट्रेड प्लेस कर सकते हो, वो भी 1,000 रुपये से भी अगर आप ट्रेड करते हो तो आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब आइए चलिए सेटअप को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और 1 मिनट के हम टाइम फ्रेम पर है। इंडिकेटर हमने जैसे आपको बताया कि हमने सुपर ट्रेंड आज यूज किया हुआ है। अब यहाँ पर सुपर ट्रेंड में एक इंपॉर्टेंट चीज किया है कि मैंने सेटिंग को थोड़ा सा चेंज किया है। अगर आप डिफॉल्ट सेटिंग पर जाएंगे तो सेटिंग आपको 10 और 3 की दिखती है। यहाँ पर आपको सेटिंग में मैंने ATR की लेंथ ली है 20 की और फैक्टर लिया है 2 का। इससे क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है आपका और आपके स्टॉप लॉस छोटे रहेंगे। बस मुझे आपको ये समझाना है इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा टाइम लिया है। यहाँ पे आप देखिए मार्केट ओपन होती है, यहां से यहां पर गिरती है और लोगों को लगता है भैया हमने सुबह सुबह एक मूव छोड़ दिया। ठीक है, वेल एंड गुड, आपने सुबह सुबह एक मूव छोड़ दिया, बट सुबह सुबह ट्रेड लेना 9:15 पे एकदम से ट्रेड लेना आपको भी पता है कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। आप एक मोमेंटम कैच कर सकते हो बट आपके लिए रिस्क भी हो सकता है। तो मैंने आपको टाइमिंग क्या दिया था, 9:30 से हम शुरू करेंगे। अब 9:30 क्यों, क्योंकि मुझे ना मार्केट में 3 चीजें देखनी जरूरी है। वो 3 चीजें क्या है आइए समझाते हैं आपको। तो यहां पर मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा एंड दैट इज ऑटो ट्रेडर। ये ऑटो ट्रेडर का नया वाला वर्जन है। ठीक है, यहाँ पर आप जाके निफ्टी बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव डेटा देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें डेफिनेटली कुछ। और अगर आपको इसका पुराना वाला वर्जन चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे विजिट ओल्ड साइट पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप विजिट ओल्ड साइट पे क्लिक करोगे इस तरीके की आपके सामने साइट आ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ी सी बारीक है इसलिए मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये अगर आप देख लेंगे तो आपका काफ़ी फायदा रहेगा। 9:30 ये आपको एक डेटा देता है और डेटा में आपको यहां पर दिखेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ट्रेंड का व्यू जो कि 60% से ज्यादा एक्यूरेट होता है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट फ्लो ये आपको सुबह सुबह बता देगा। अभी मार्केट में डायरेक्शन आई है या नहीं आई है उससे पहले एक फ्लो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट आज कहां जा सकती है। देखो हमें सारे ट्रेड्स नहीं पकड़ने, अगर हमें दिन के 2 या 3 ट्रेड भी अच्छे मिल जाए ना तो पैसा बन जाएगा, ये आप मानते हैं राइट। तो अगर मुझे ये अगर एक व्यू मिल जाए कि आज मार्केट कहां जा सकती है तो ये काफी अच्छा है हमारे लिए। आप मार्केट फ्लो देख लेते हो कि मार्केट फ्लो सेल का है, ओके पॉइंट नंबर 1। डेरिवेटिव डेटा क्या बोल रहा है, डेरिवेटिव डेटा होता है हमारा PCR, तो डेरिवेटिव डेटा भी बोल रहा है कि नेगेटिव है मार्केट का फ्लो। अगर दोनों का फ्लो नेगेटिव है तो आज मैं ऊपर का एक भी ट्रेड नहीं बनाने वाला। अगर मार्केट ऊपर भी जाता तो मैं वेट करूंगा कि मुझे सेलिंग का कोई ट्रेड मिले, वहां से ऊपर से सेल ऑन हाई का ट्रेड मिले और सेल ऑन हाई करके मैं पैसा बनाऊं, रेदर
मैं मार्केट फ्लो के अगेंस्ट में और डेरिवेटिव डेटा के अगेंस्ट में ट्रेड लूं। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी अभी डेरिवेटिव डेटा आपको दिखा रहा है कि नेगेटिव है, और यहां पर जैसे अभी मार्केट खुली है तो मार्केट फ्लो भी यहां पर थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। अब कंटिन्यू करते हैं यहां से। अब एक तो मुझे चीज पता लग गई कि मार्केट फ्लो और पीसीआर डेटा क्या बोल रहा है। अब इसके बाद हमें सिंपली पीसीआर देखना है। आप चाहो तो पुराने वर्जन पर भी देख सकते हो। अब जैसे पुराना वर्जन है तो यहां पर आप सिंपली डेरिवेटिव पे क्लिक करते हो एंड आप फिर जैसे निफ्टी है तो आप निफ्टी पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली निफ्टी का ही पीसीआर दिखाता है। अब सुबह से ये क्या दिखा रहा है, सुबह से आपको ये सेल सिग्नल दे रहा है ऑप्शंस का और व्यू आपका भी सेल सिग्नल दे रहा है। तो मार्केट के जाने के चांसेस कहां पर है, आपको हो गए भाई नीचे जाने के चांसेस है। दूसरी चीज, एक आपको चेंज इन पीसीआर भी देखना चाहिए कि पीसीआर खुला तो 0.90 पर था बट लगातार गिरता चला जा रहा है, 1 से नीचे नेगेटिव दिखाएगा। और अगर ये बढ़ेगा तो आपको थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है कि 0.55 से अगर ये 0.758595 हो जाता है तो फिर कॉशियस होने की जरूरत है कि पीसीआर में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम शॉर्ट में रखते हैं। पीसीआर नेगेटिव है, VWAP सिग्नल नेगेटिव है, मार्केट फ्लो नेगेटिव है। सो अब मेरा व्यू क्या है कि मुझे नीचे के ट्रेड्स पकड़ने हैं। ये सिमिलर जो अभी मैं आज का तो डेटा दिखाऊंगा ही, एक दिन पहले पर आ जाते हैं, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग भी दिखाता हूं आपको। सो मैं निफ्टी पर ही हूं, ये आज वीडियो मैं बना रहा हूं 11 तारीख को, ये 10 तारीख का मार्केट है। अब 10 तारीख को जब मार्केट खुली तो खुलते ही आप देख सकते हो कि मार्केट नीचे आ गई। अब नीचे आने के बाद कई, मैंने जैसे बोला कई लोग बोलेंगे सुबह सुबह का ट्रेड छूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर ये मार्केट जब नीचे आई तो एक सुपर ट्रेंड आपको एक ना लाइन दिखाता है, जैसे रेड लाइन है, इसका मतलब है प्राइस गिर रहा है और ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है। जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा तो प्राइस को फॉलो करते हुए सुपर ट्रेंड आपको दिखाएगा। ये आपके ना एक विजन के लिए बहुत अच्छा है कि आपको दिख रहा है कि ट्रेंड कौन सा है। आप अगर नेक्ड चार्ट रखेंगे, जैसे मैं एक मिनट के लिए हटाकर दिखाता हूं, तो आपको सिंपली नेक्ड चार्ट दिखता है। अब क्योंकि कई सारे लोग बिगनर हैं, उन्हें एक ट्रेंड पकड़ना जरूरी है, और मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखा के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो सिंपली सिंपल सेटअप दो। जितना सिंपल सेटअप होगा उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। प्राइस ऊपर गया, आपने छोड़ दिया, आपने कोई ट्रेड नहीं लिया, हमें नीचे का ट्रेड लेना है। अब आपका पहला ट्रेड यहां पर बनता है और यहां पर 946 हुए हैं। पीसीआर का डेटा आपको दिखा कि भैया नेगेटिव है, नेगेटिव डेटा है तो मैं ट्रेड नीचे का लूंगा। जैसे ये हुआ आपने यहां पर एक ट्रेड लिया, देखिए बड़ी ध्यान से, ये ट्रेड लिया क्योंकि ये लाइन को हल्का सा ब्रेक किया गया। यहां पर ये वाली ग्रीन वाली लाइन ब्रेक हुई होगी तो आपका सुपर ट्रेंड ने बोला कि भैया आप इस ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हो, डाउन का ट्रेड बन रहा है। पर कंफर्मेशन आपका होना जरूरी था। कंफर्मेशन कैसे होता है कि जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसके अगली कैंडल जो है उसका लो ब्रेक होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ था, बट आपने क्योंकि इमीडिएट एंट्री ले ली थी, आप बिगनर थे, तो मैंने मान लिया कि आपने ट्रेंड चेंज होती है एंट्री ले ली। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहां पर हमें स्टॉप लॉस को छोटा रखना जरूरी है। अगर आप ट्रेंड लाइन तक का वेट करोगे, आप क्लीन ये चीज क्लियर समझ लो, ट्रेंड लाइन तक का वेट करोगे तो 10% तक का जा सकता है आपका स्टॉप लॉस। अगर आप उसे छोटा रखना चाहते हो तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप चाहो तो एक कैंडल जिसने ब्रेक किया है उसके हाई का भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। छोटा आप जितना छोटा लॉस रखोगे उतने ज्यादा ट्रेड ले पाओगे, जितना ज्यादा कैपिटल गवाते चले जाओगे आपको कॉन्फिडेंस लूज होगा। सो एक मेजर स्टॉप लॉस तो मेरा यही है जो कि ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन रखने का फायदा क्या होता है, जस्ट मैं आपको नेक्स्ट दिखा रहा हूं। इसमें क्या हुआ, जैसे ही इस वाली कैंडल में, ये जो आप कैंडल देख रहे हो इसने बहुत बड़ी शैडो छोड़ी थी, मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, इस कैंडल ने एक बहुत बड़ी शैडो छोड़ी थी और इसने हमारी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया था, ऑल्दो वो पूरी कैंडल नीचे आ गई, हमें आउट होना पड़ेगा। और ये तो आपका सेकेंडरी स्टॉप लॉस था, पहला स्टॉप लॉस तो आपका यहीं पर हिट हो गया था जैसे ही ये कैंडल जिसने तोड़ा था इसका हाई ब्रेक हुआ। अब क्योंकि पहले ही हमारे एग्जांपल में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप ये पूछेंगे कि स्टॉप लॉस हुआ कितने पॉइंट का है। अब देखिए आपने एंट्री ली थी इसे तोड़ने पर, तो लगभग मैं कहता हूं आपने अगर आप देखेंगे 19,579 और 80 के आसपास आपने एंट्री ली, 79 ही पकड़ के चलते हैं, और आपने यहां पर 88 पर आप निकले तो तकरीबन आपने 9 पॉइंट दिए, 9-10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हुआ। अब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, और हम 10 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं कर रहे, हमें चाहिए कोई बड़ा मूव मिले। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ, एक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट इसने आप ट्रेंड दे दिया, ये तो मैं छोड़ूंगा, ये तो मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं क्योंकि मेरा पीसीआर अगेंस्ट में है।
मैं पीसीआर को देख रहा हूँ, मार्केट फ्लो को देख रहा हूँ, मार्केट फ्लो कह रहा है नहीं ऊपर का ट्रेड नहीं बनेगा, आप कहोगे सर इतना बड़ा मूव चला गया, ये कुछ भी नहीं है, इसे छोड़ दो आप। नेक्स्ट आप क्या देखते हो यहां पे, अब इस लाइन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं हमारे सेटअप से। अब यहां पर देखिए ये प्राइस ऊपर था ऊपर था ऊपर था, यहां पर एक बड़ी कैंडल बनी, अभी आप यहां पर एंट्री नहीं ले सकते। आपको एंट्री कब मिलेगी, जब इसका लो टूटेगा। यहां पर देखिए ये लाइन है ग्रीन वाली, इसने तोड़ा जैसे ही, आपने यहां पर कहीं पर भी एंट्री ले ली। एग्जांपल के लिए आपने 19,600 पे एंट्री ली, अब हम देखते हैं हमने 10 पॉइंट दिए थे सर, ठीक है हमने 10 पॉइंट दिए थे, हमने कमाए कितने, अब हम ये देखते हैं यहां पे 600 से लेकर ये एक मिनट के टाइम फ्रेम पर ही हो आप, आपका कंटिन्यू 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 चलता जा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ चलता जा रहा है, एंड यहां पर जाके आपको आउट होना पड़ा 520 पर, आपने 80 पॉइंट कैप्चर करे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 80 पॉइंट्स कैप्चर्ड। टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो गया 10:47, ठीक है। अब अगर 11:30 से पहले दोबारा कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं लूंगा 11:30 के बाद, आई अवॉइड ट्रेडिंग, फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैंने आपको बताया आप कैरम बोर्ड खेलने जाओ, ठीक है। तो यहां पर एक ट्रेड आपको मिलता है 11 बजे, ठीक है, आप अगेन ट्रेड लेते हो, नीचे जाते ही ट्रेड लेते हो और इसके हाई पे आप फिर निकल जाते हो। कितने पॉइंट दिए आपने दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने मोटा मोटा 535 पर एंट्री करी एंड आप निकले 542 पर, 7-8 पॉइंट आपने दिए, 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हिट यूर आउट, ठीक है आउट, ये बेकार हो गया। अब इसके बाद आप, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया ये पहले कि अब हाई मोमेंटम का टाइम जा चुका है, अब क्या होगा, अब आप साइडवेज मार्केट में फंसोगे और आपके फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस हो सकते हैं। तो 11:30 के बाद तो ट्रेड ही नहीं करना। अब यहां पर दोबारा से, क्योंकि अभी अभी 11:30 ही बने बजे, हमने दोबारा से ट्रेड लिया, ये 11:14 पर ट्रेड मिला आपको, आपने ट्रेड ले लिया जैसे ही आपका ब्रेक हुआ ऑलमोस्ट 5:35 के आसपास, एंड आप यहां पर जाके निकले 5:45 पे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगेन हो गया। अब आप देखिए 10 पॉइंट सुबह दिए, फिर 10 पॉइंट दिए, आप मान लो 8 पॉइंट को 10 ही मान लो, फिर 10 दिए, 30 पॉइंट आप दे चुके हो, 30 पॉइंट दिए, 80 पॉइंट कैप्चर करे, 50 पॉइंट्स आपके कैप्चर्ड है, ठीक है। स्कैल्पिंग के हिसाब से 50 पॉइंट्स कैप्चर करना एक बढ़िया होता है। अब इसके बाद हमारा कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि 11:30 बज चुके हैं, मैं आउट हूं मार्केट से, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये कुछ भी हो मुझे कुछ नहीं देखना, ठीक है मेरा टाइम नहीं आया। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर एक ट्रेड आती है जो मैंने आपको बताया था, आप आराम से 1:15 के बाद देखोगे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, मैंने लिखा था आपके लिए, यहां पर देखिए मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली टाइम मेंशन किया था, कहां पर किया था हम ढूंढ लेते हैं, ओके सो वी विल फाइंड इट आउट, ओके वेट, ये रहा मैंने आपके लिए टाइम मेंशन किया था, 1:15 के बाद आप ट्रेड ले सकते हो और 1 बजे के बाद आप आके स्क्रीन देख सकते हो, कभी भी उसके बाद आपको लगता है कि यार यहां से ट्रेड बन सकती है हम ट्रेड लेंगे। अब हम चलते हैं दोबारा से स्क्रीन पर और देखते हैं कितने बजे ट्रेड आया, ओके तो अभी हमने बीच में कोई ट्रेड नहीं किया, अब हम दोबारा से आ गए और हमने यहां पर देखा भैया 1:19 हो रहे हैं, आपको मेरी बात याद आ गई भैया 1:15 के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं, आपने ट्रेड में एंट्री करी, जैसे ये ब्रेक हुआ आपने एंट्री करी 581 पे, 81 के आसपास, मतलब हमेशा 81 पे नहीं मिलेगा, हाई मोमेंटम होता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ठीक है तो 80 पे आपने लगभग एंट्री ले ली 580 पे, और आपकी एग्जिट यहां पर हुई, यहां पर जाके एग्जिट हुई 552 पे, तकरीबन 30 पॉइंट आपने फिर कैप्चर करे, ठीक है 30 पॉइंट कैप्चर करना स्कैल्पिंग के हिसाब से, आप भी कहोगे कि बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर गया, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, नीचे गिरने पे मैंने फिर ट्रेड ले लिया क्योंकि पीसीआर पूरे दिन नेगेटिव था, अभी भी अगर मैं आपको आज का भी पीसीआर दिखाऊं तो पीसीआर इज नेगेटिव, क्योंकि पीसीआर नेगेटिव है और आप इसे 5 मिनट में भी देख सकते हो, तो इस तरीके से यहां पे ऊपर से मैं चेंज कर सकता हूं और जैसे ही मैं 5 मिनट पे जाऊंगा हर 5 मिनट का पीसीआर मुझे अपडेट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। मैं इसके लिए लिंक नीचे डाल दूंगा ऑटो ट्रेडर का, आप ऑटो ट्रेडर का सॉफ्टवेयर खुद भी यूज कर सकते हो और आप देख सकते हो, ठीक है ये एक पेड सॉफ्टवेयर है और इसका लेटेस्ट वर्जन कुछ इस तरीके से दिखता है, तो यहां पर भी दिखेगा आपको सेम ही, ये निफ्टी का पीसीआर है, तो यहां पे अगर आप 5 मिनट पर क्लिक कर दोगे तो आपको पूरे दिन का नेगेटिव पीसीआर दिख रहा है क्योंकि नेगेटिव है, मेरे को ऊपर का ट्रेड लेना नहीं। अब मैंने स्कैल्पिंग में दोबारा से एक यहां पे ट्रेड मारा इसे इसके ब्रेक होने पे, ओके अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्टॉप लॉस मेरा प्राइमरी स्टॉप लॉस जो है वो जिस कैंडल पे मैं ट्रेड ले रहा हूं उसी का हाई होगा। अब आप कहोगे नेक्स्ट कैंडल ही थोड़ी सी ग्रीन बन गई, ग्रीन बन गई डरना नहीं है क्योंकि यहां पर देखिए ये मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ये कैंडल गई तो सही ऊपर बट उसने हाई ब्रेक नहीं किया, सो आई एम वेरी कंफर्टेबल, मैं इस ट्रेड में बैठा हुआ हूं और मैंने ट्रेड लिया था ये
536 के आसपास, ठीक है, 536 के आसपास मैंने ट्रेड लिया, 30 वैसे तो 36 37 जो भी है, ठीक है। अब 36 से लेकर मुझे आउट किया इसने 23 पर, तो अगेन आपने यहां पर 13 पॉइंट्स अर्न करे, 13 पॉइंट्स यू हैव अर्नड। अब ये स्कैल्पिंग के अंदर हो क्या रहा है, आप कहोगे कभी 10 पॉइंट आ रहे हैं, कभी 20 पॉइंट आ रहे हैं, कभी 80 पॉइंट आ रहे हैं, कभी 30 पॉइंट आ रहे हैं, ऐसा ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको 80 पॉइंट्स मिलेंगे, पर अब स्टॉप लॉस आपके कम होंगे, रीजन बीइंग आप हाई मोमेंटम के टाइम पर ही ट्रेड कर रहे हो और सिर्फ वन डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हो, आप दोनों साइड का मोमेंटम कैच करने की कोशिश नहीं कर रहे। अगेन अब आप कहोगे यहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमें दिख रहा है, ठीक है, यहां पे एक स्टॉप लॉस हुआ, यहां पर अगेन एक स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं, ये हमें दो स्टॉप लॉस हुए हैं जो कि बहुत छोटे स्टॉप लॉस है। अगर आप इन्हें देखोगे भी तो 540 पे आपने लिया और 541 पे निकाल दिया, एक पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वन पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। सिमिलरली यहां पर इसने आपको एंट्री दी, यहां पर सीरियसली वन पॉइंट गई था, मैं अभी हो रहा हूं, क्योंकि होता क्या है कि जो सुपर ट्रेंड की लाइन होती है ना, ट्रेंड लाइन की तरह काम करती है आपके, आपको ट्रेल करने में भी हेल्प करेगी। जैसे जब ये बड़ा मोमेंटम आता है ना, तो ये ऊपर से नीचे गिरती रहती है और नीचे से ऊपर भी जाती है, जिस दिन ऊपर का होगा उस दिन हम ऊपर का कैच करेंगे। तो यहां पर आपको छोटा स्टॉप लॉस हुआ, ओके। अब हम आज के ऊपर आ जाते हैं, आज का हम ट्रेड देखते हैं, 9:15 पे कोई ट्रेड नहीं, आप कहोगे एक बड़ा ट्रेड था यार ये छूट गया। अब आप यहां पर देखो, ये आज की है, आज की मार्केट चल रही है, आप यहां पर देखो ये एक मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, वन मिनट का टाइम फ्रेम है, तकरीबन 9:30 आपको एंट्री मिली होगी, क्योंकि 9:30 डेटा पीसीआर का नेगेटिव था, आपके ट्रेंड लाइन पर आता है। अब री एंट्रीज और बहुत सारी चीजें और है स्कैल्पिंग के अंदर, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आपने देखा कि ट्रेंड नीचे काफी नीचे आ चुका है, बट अगर आपको ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, तो आप यहां पर एक ट्रेड ले सकते हो। अगर आपने यहां पर ट्रेड लिया होता तो तकरीबन 500 के आसपास आपने एंट्री करी थी और आपको इसने निकाला 474 पर, तो आपको वही मतलब आपको हो गया 25 पॉइंट के आसपास आपको कैप्चर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे अभी भी, जैसे ये अब 11:30 का एग्जैक्ट ट्रेड है, तो छोटा सा ही आपको यहाँ पे एक मोमेंटम मिला, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, बट होंगे वो 10 पॉइंट के, 12 पॉइंट के, कभी 2 पॉइंट का, कभी 1 पॉइंट का, कभी 5 पॉइंट का, बट वो चलेगा। बट जब आपको बड़ा मोमेंटम मिलना होगा वो आपसे मिस नहीं होगा, क्योंकि आपसे 1 मिनट में आपने एंट्री मार ली विद द मार्केट फ्लो विद द पीसीआर। अब ये स्ट्रेटजी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये स्ट्रेटजी आपकी मोर देन 50% एक्यूरेट है, ठीक है, और एग्जांपल के साथ मैंने आपको दिखाया कि 50% प्लस की एक्यूरेसी प्लस आप जैसी मार्केट फ्लो और पीसीआर को ऐड करते हो आप 60% प्लस करेक्ट हो जाते हो। मार्केट फ्लो और पीसीआर के साथ आपको मार्केट 60% फ्लो करती हुई दिखेगी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आप यहां पर सारे ट्रेड्स नहीं ले रहे और आप टाइमिंग के साथ ट्रेड ले रहे हो, जब हाई मोमेंटम रहता है, जब हाई मोमेंटम रहता है तो आपको बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने के दिन मिलेंगे, जिस दिन आपके, अभी हम निफ्टी में देख रहे थे, बैंक निफ्टी में आप लिटरली, आप बिलीव करना, आप 300-300 पॉइंट भी कैप्चर कर पाओगे। अब इस स्ट्रैटेजी को मैंने काफी अच्छे से बैकटेस्ट किया हुआ है, यूज किया हुआ है, और पता है मुझे कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करती है, इसीलिए एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब जरूरी नहीं है कि मैंने शेयर करी तो आपको इस पर काम करना ही है। देखो, आप नॉलेज के लिए आपने सीख लिया, कोई फोर्स नहीं है आपको, मेरा काम है आपको सिर्फ गाइड करना। आप इसके ऊपर पहले पेपर ट्रेड करके भी देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि ठीक है मुझे रियल मनी भी नहीं लगाना, आपको पेपर ट्रेड करना है, डू द पेपर ट्रेडिंग, यू ट्राई द स्ट्रेटजी योरसेल्फ। हो सकता है आप इसमें कुछ और एडिशन करना चाहते हो, इसे और मॉडिफाई करना चाहते हो, आप कर सकते हो, अप टू यू। बट मैंने आज आपको अपना एक सेटअप देने की कोशिश करी है जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा सेटअप है और आपको हेल्प कर सकता है। इसी तरीके से हम आपके लिए और वीडियोस बनाते रहेंगे जिससे आपकी और हेल्प हो, आपको और सीखने को मिले एंड हम साथ में ग्रो करें। जैसे मैंने बोला था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली मैं आपके थैंक यू जरूर सुनना चाहूंगा कमेंट्स में, एंड आप इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। ऑटो ट्रेडर जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर यूज कीजिए, आपको ट्रेडिंग में काफी हेल्प करेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।